फटाक फक्त 30 सेकंदात बातमी डाउनलोड करा तक ऍप डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर आताच क्लिक करा। या एजन्सीच्या माध्यमातून मॅडी नावाचा एक त्यांचा पंच आहे, त्यांना बाबू नावाचा एक अधिकारी ज्याचे व्हिडिओ ऑडिओ आम्ही तुम्हाला सुनावलेला आहे, मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तो सांगतो या आणि बॅक डेटेड पंचनामा दुरुस्त करा। कार्यालयात यायचं असेल तर थोडा अडचणीचा होईल, बाहेर भेटून सह्या करू। मॅडी क्या हाल है? क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। हाँ। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण सर, कल मोस्टली तो हाँ। कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूंगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है मालूम है? कौन सा है? 2021। हाँ, है ना? हाँ। 1/6/2021 को सोहेल शेख अंधेरी में वो मॉल के सामने पकड़ा था, उसके बाद फिरोज के घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम उधर 102 ग्राम MD मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है सीरिंग ऑफिसर, वो कांगन और आशीष रंजन, है ना सर? बस क्योंकि सर मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीजों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना 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 ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थे दोनों का, ओके? इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, मतलब उसी टाइम हमारा सामने ये पंचनामा वगैरह इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, बस करके हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। आपका तो मालूम है ना, अभी तक आप हाँ कर रहे हो, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। मतलब हमारा सामने कभी भी कोर्ट में आप बुलाएंगे ना एविडेंस, एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप कितना ही बोलना, मेरे सामने काम किया है NCB वालों ने, हमारा सामने पकड़ा है, हमारा सामने उन लोगों का फॉर्मेलिटी से वो कम्प्लीट किया। मेरे को तो हमेशा से सब सर ने, सुजीत सर, सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। अच्छा, इसमें तो डरने की बात नहीं है, ऐसा बात नहीं तो है। मुझे समीर सर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनको तो पता ही रहेगा ना सर? हाँ, उनको पता है, आप बोल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है। किरण बाबू सर ने बुलाया, सर मेरा एक केस में वो सोहेल शेख करके आरोपी है, उसी केस में मेरे को पंचा बना दिया था। ओके। मेरा और मंसूरी का है ना, मैं कल बुलाया, मैं साइन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सर करके, मैं सोच रहा था ऑफिस में आना ठीक नहीं है करके, मैं सोच रहा था कि बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में आना चाहते तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके सर, 5 मिनट के लिए। मैडी नावाचा पोरगा घाबरतो है तो वानखेडेला फोन करतो, वानखेडे सांगते जा कर बिंदास, काय घाबरण्याची गरज नाही। म्हणजे फर्जीवाडा करून पंचनामा बदलण्याचा उद्योग या NCBच्या माध्यमातून सुरू आहे। हॅलो सर, सर I just want to, sorry to call you so late sir. Sir, I just wanted to confirm कि किरण बाबू कल बुला रहे कुछ साइन करने के लिए सर, कोई जून फर्स्ट का मैटर। कोई बात नहीं, हाँ आ जाओ, कोई इशू नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ ना सर। हाँ कोई बात, no I thought to confirm with you sir because you never know ना, who is he? पहले मेरे से मिल ले, किरण बाबू ने बुलाया। Yes sir, पहले मेरे को मिल लेना। Okay, मगर जाओ ना सर। आम्ही एक्सपोज केल्यानंतर NCBच्या अधिकारी अडचणीत येणार आहे, त्यासाठी कागद दुरुस्त करण्याचा उद्योग या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सुरू आहे। सिंगल आउट करून समीर खानच्या विरोधात जात आहे माझ्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी। तुम्ही ज्या पद्धतीने शाहरुख खानच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, आमच्या घरवाल्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, नवा मलिक घाबरणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने पीटी बाबू आणि समीर वानखेड्यांनी पंचनामा बदलण्याचा उद्योग केलेला आहे, याच्या कारवाई काय करणार आहे DG, याचं उत्तर आमच्याकडून अपेक्षित आहे।